स्वागत है आपका इस यूट्यूब पास चैनल में। हम लेकर आए हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। इनमें से ग्लूकोज कौन सा एक एंजाइम है? ग्लूकान, इंसुलिन, स्टोटोकिन, एसिटोटोकिन, ट्रिप्सिन है। उत्तर सही है दोस्तों इसका, ट्रिप्सिन। सूर्य के प्रकाश से शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इससे सही उत्तर है दोस्तों विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसकी कमी से दंत क्षरीय बीमारी होती है? आयरन, कॉपर, फ्लोरिन, जिंक। फ्लोरिन। इसका सही उत्तर दोस्तों फ्लोरिन। घाव का इलाज करने में से किस विटामिन घाव का इलाज इनमें से किस विटामिन के द्वारा तेजी से होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के। विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने से इनमें से कौन सी बीमारियाँ होती हैं? हाइड्रोसेले, हाइड्रोसेले, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोसेफाइट, हाइड्रोपेरिटोनम। हाइड्रोफोबिया। सभी दोस्तों हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा विटामिन बहुत ही उत्तरदायी है? खाना पकाने के दौरान, भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। उत्तर दोस्तों विटामिन सी। मलेरिया की प्रतिरोधक दवा इनमें से कौन सा यौगिक इस्तेमाल होता है? एस्पिरिन, न्यूस्पिरिन, आइसोप्रिन, क्लोरोक्विन। इसका सही उत्तर दोस्तों क्लोरोक्विन। इनमें से कौन से एक त्वचा रोग है? एनीमिया, पेलेग्रा, ऑटोमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया, रिकेटस। सही उत्तर है दोस्तों प्लेग्रा। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से सबसे अधिक मात्रा विटामिन डी मिलता है, किसमें से सबसे अधिक मात्रा विटामिन डी की मात्रा मिलता है? कॉड लिवर ऑयल, पालक, दूध, पनीर। तो दोस्तों उत्तर है कॉड लिवर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन से परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है? एक्सरे, मूत्रपरीक्षण, रक्त परीक्षण, बायोप्सी टेस्ट। दोस्तों अगर हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह दोस्तों बायोप्सी टेस्ट आज के लिए।